अब चलिए, ज्यादा विलंब नहीं, चलिए चलिए। और वो बाकी क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? दीजिए, डालिए इसके अंदर। तुम नहीं समझ रहे हो ना, हम समझाते हैं इसे। निकालो। ये खानदानी कंगन खानदानी हाथों में अच्छे रखते हैं। ताला मार कर रखेगा, जब ताला ना मिले ना तो वो ताला लगा देना जो आपकी अकल पे लगा है। छुपा कर रखेगा मुझसे ताकि मना करने के बावजूद भी मैं चोरी ना कर लूं। और मिस्टर रौनक, जिन हाथों को आप एक नाचने वाली के हाथ कह रहे हो ना, उन हाथों को थामने की जरूरत आपको पड़ी थी। मैं हाथ फैला कर नहीं आई थी आपके पास, आप आए थे। मैं तो जा ही रही थी अपनी मम्मा के पास। आपके और मेरे बीच में एक डील हुई है, ये भी मुझे याद है। रही बात जेवरों की, शायद आपको याद नहीं है कि मैं कहां से आती हूँ। मैं जहां से आती हूँ ना, नॉर्मल लोगों के खानदान की बहुएं जितने जेवर अपने गले में और हाथों में पहनती है ना, उतने जेवर वहां की लड़कियों के पैरों पे पड़े रहते हैं। पर धन दौलत की इतनी ही जरूरत होती मुझे तो आज भी वही होती यहाँ नहीं। हमें इसके बारे में और बात नहीं करनी, प्लीज। हाँ मत कीजिए बात, पर मुझे ये भी बता दीजिए, अगर माँ जी ने पूछा उन्हें भी मैं यही कहूँ कि इस बारे में बात नहीं करनी। कह दीजिए हमने ले ली है। और हाँ, बीवी की तरह सुनाइए मत, अब है नहीं, सिर्फ नाटक कर रही है, भूलिए मत। पता है रौनक जी, ये सब सिर्फ एक नाटक है, और इस बात का एहसास भी है मुझे कि मेरे जैसी लड़कियों को कोई अपनी बीवी नहीं बनाता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना आकलन सही तरीके से करते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि तुम उनमें से एक हो। चलो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। अपना वक्त बर्बाद कर रही है तू यहां, इतनी छोटी सी बात तेरे भेजे में नहीं पड़ती। सुना नहीं तूने कि खून पानी से गाढ़ा होता है और खून ही खून को खींचता है। बेटा है मेरा, एक दिन मेरी तरफ आ ही जाएगा, मेरी बात मान लेगा, अकेली रह जाएगी तू, कहाँ जाएगी? अब फैसला तेरे हाथ में है, यूं मेरा घर छोड़ के जा, नहीं तो मुझे उठाकर बाहर फेंकना भी आता है, तू अच्छी तरह जानती है सर जी को। बचपन में फ्रेंड कहती थी आपको, दोस्ती तो आपने कभी निभाई नहीं। कम से कम जिनके साथ साथ फेरे लिए उनका साथ तो निभाइए। बहुत भोली है माँ जी, आपके उल्टे कामों को कभी समझ नहीं पाएगी, उन्हें धोखा मत दीजिए प्लीज। ये तू नहीं, रौनक बोल रहा है। दूसरी बार इस मुखमंडल से
अगर रौनक के शब्द निकले तो टेढ़ा दबा दूंगा मैं तेरा, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तू सर जी को अच्छे तरीके से जानती है? शायद आप नहीं जानते या भूल रहे हो कि ये कोठा नहीं है, घर है आपका। और इज्जतदार घरों में ससुर और बहू के बीच में इतनी नजदीकियां नहीं होती। कोई देखेगा तो क्या जवाब देंगे आप? रौनक, माँ जी, रौनक जी यहाँ नहीं है। नहीं है? ये लड़का एक जगह टिकता ही नहीं। अरे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, तुम खाना खाने आ जाओ, चलो आओ। इस लड़की का इस घर के अंदर और ज्यादा दिन तक रहना खतरे से खाली नहीं, इसका जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे आज का ही हेयर स्पा का अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरा सर गरम हो चुका है, ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा, समझ में आया? गुड, थैंक यू। लो परोसना शुरू करो, मैं रोटियां लेके आई। रुक जाओ, तुम्हारी मरी हुई शक्ल देखे ना मेरी भूख भी मर गई है। बेबी प्लीज, खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो तुम? थोड़ा सा खा लो ना प्लीज। कह दिया ना कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, हम बाहर जाके खाना खाएंगे, उठो तुम भी। लवली दी, मुझे ठुकराना है ठुकरा दीजिए, पर प्लीज खाने को मत ठुकराइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी भूखा रहे। भूखे तुम जैसे लोग रह जाते, हम नहीं। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारे पिताश्री कितना कमाते हैं? लवली ये क्या बेहुदा सवाल है? माँ प्लीज आप बीच में मत बोलिए, जिससे सवाल किया जा रहा है उसी को जवाब देने दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। एक बात अच्छे से सुन लो, तुम्हारे पिताश्री की जितनी भी कमाई है ना, और उसमें तुम्हारे घर के सभी मेंबर्स की इनकम को मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए, तब भी तुम्हारी और तुम्हारे घर की तो पौड़ी की औकात नहीं है। तो जिनकी औकात नहीं होती ना, उनको अपने से ऊपर के लोगों को ना टोकना चाहिए ना रोकना चाहिए। समझे कि समझाएं? लवली उठो। समझ गई। क्या कि थोड़ी बहुत गणित हमें भी आती है, मैथमेटिक्स, इनकी जितनी नहीं आती, ये तो बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों कुछ कह क्यों नहीं रही आप। खैर औकात औकात की गेम खेल रहे हैं, सोचे कि हम भी हिस्सा बन लेते हैं। हाँ? गलती से इनके पति जुटे। हाँ तो क्या पूछ रही थी इनसे आप? इनके बाप की कमाई कितनी है? पहली बात, लड़की की शादी के बाद उसकी हैसियत, उसकी औकात उसके बाप से नहीं पति से होती है। और जहां तक हमें पता है, सिंह साहब के जायदाद में हमारा हिस्सा आपसे ज्यादा नहीं, बराबरी का तो है। तो उसके मुताबिक ये हमारी पत्नी है, तो इनकी हैसियत और इनकी औकात आपसे ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, बराबरी की है। क्यों, सही है ना हमारी मैथमेटिक्स? रौनक तुम इस लड़की के लिए इस लड़की नहीं, ये किसी की बहू हो या भाभी हो या ना हो, रौनक की वाइफ है। और एक और बात, कोई भी इससे ऐसे बात करे हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से अरे 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 पनी क्या मत। अरे कहाँ जा रहे, खाना तो खा ले।
चलोगे अब? हमें तो मामला को सुधरने के बजाय सब गड़बड़ी नजर आ रही है। अब के हालत में चम्मच डाल के असली बात निकालें। बोलोगे? मेन बात ये है कि यहाँ उनकी मम्मा को सब जानते हैं, मतलब कि वो एक यहाँ की बहुत ही पॉपुलर और टैलेंटेड डांसर थी, और फिर वो अचानक ही गायब हो गई। और भैया जी, उनको बरसों से तो किसी ने देखा ही नहीं है। भैया जी, ये सब सुन के तो हमें कुछ बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। उनकी मम्मा बहुत सालों से लापता है, करेक्ट? तो उस दिन जब हम दूर वाली मैडम को किडनैप करने आए थे, तो वो यहाँ कैसे थी? अगर थी तो किसी ने देखा क्यों नहीं? ये आंकड़ा जो है हम कहीं फिट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो झोल है भाई। क्या बे? ये तो कंफ्यूज तो हम भी हो रहे हैं भैया जी। सही कह रहे हैं। चलो भाई, तेरे यहाँ चलते हैं।